विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम को ट्रिपल लेयर सुरक्षा में रखा गया है। शिमला जिला की ईवीएम मशीनें रखने के लिए जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां 8 दिसंबर को मतगणना भी होगी। ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के लिए पुलिस जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है, वहीं आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। शिमला जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम पोर्टमोर स्कूल, शिमला ग्रामीण की ईवीएम मशीनें संजौली कॉलेज, कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम कसुमटी स्कूल के स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इसी तरह से अन्य विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम रखी गई है। एसडीएम शिमला शहरी भानु गुप्ता ने बताया कि वेयर हाउस में 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सुरक्षा में तैनात किए गए सभी जवान हथियारबंद है, जिसमें पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, वहीं दूसरे घेरे में आईआरबीएन के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा वेयर हाउस के तीसरे घेरे की सुरक्षा में जिला पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 8 दिसंबर को मतगणना के दिन तक वेयर हाउस में ट्रिपल लेयर की सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी वेयर हाउस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए, शिमला शहरी जो 63 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो स्ट्रांग रूम है हमारे यहाँ पे पोर्टमोर स्कूल में स्थापित किया गया है। इसमें जो कल पोल ईवीएम हमने रख दी है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और ऑब्जर्वर साहब और एसपी मैडम की प्रेजेंस में इसको सील किया गया, और सील करने के बाद जो है इसमें 3 टायर व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, स्टेट पुलिस सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो जवान हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है 24/7 जो है सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है पूरे डोर को और गैलरी को कवर किया गया है, जो 24/7 जो है सीसीटीवी की निगरानी में भी साथ में रहेगा। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम इसमें हमने कर रखे हैं स्ट्रांग रूम से रिलेटेड। और जहाँ तक काउंटिंग का सवाल है, जो काउंटिंग है हमारी वो इसी स्कूल के जो है टॉप फ्लोर पे होगी, जिसमें इनका एक ऑडिटोरियम हॉल है, वहाँ पे हमने 10+1 जो टेबल का इंतजाम किया है। जो 8 दिसंबर को हमारी मतगणना होगी, उसकी तैयारी भी अब हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो काउंटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए।